सो वेलकम टू रविंद्र एकेडमी दोस्तों, इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो सीरीज है, ये हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको कल ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये हमारी सीरीज देखिए अगर कितनी अच्छी तरह से हम इसे कंप्लीट करते हैं, तो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ऐसे टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड कैथोड लैम्प। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कोल्ड कैथोड क्या होता है, कोल्ड कैथोड लैम्प क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोल्ड कैथोड क्या होता है। कैथोड तो आपने सुना है, कैथोड क्या काम करता है, कैथोड को जब भी हम हीट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सही है। बट कोल्ड कैथोड में क्या होता है, उसे हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उस वो बिना हीट किए ही अपना काम करता है, ऐसे कैथोड को बोला जाता है कोल्ड कैथोड। तो ये कोल्ड कैथोड कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है नियॉन लैंप में, याद रखिएगा, नियॉन लैंप में यूज होता है कैथोड लैंप, सॉरी कोल्ड कैथोड। अब देखिए नियॉन लैंप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियॉन लैंप के बारे में, वो लिखिएगा कि नियॉन लैंप में क्या क्या यूज होता है। नियॉन गैस के साथ साथ थोड़ी सी हीलियम, नियॉन गैस प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ कौन सी गैस बताइए, हीलियम गैस, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो यूज किया जाता है नियॉन लैंप में। और अगर आपसे पूछे कि ये जो नियॉन लैंप है ये किस कलर की लाइट हमें देता है, तो ये पिंक कलर की लाइट देता है, ये पिंक कलर की लाइट हमें देता है। अब आपसे कोई पूछे कि इस नियॉन लैंप का जो पावर कंजम्पशन है वो कितना होता है, तो नियॉन लैंप का पावर कंजम्पशन होता है 5 वाट के करीब। और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, नियॉन लैंप जो यूज होता है वो एडवर्टाइजिंग में यूज होता है, जो होर्डिंग्स लगे होते हैं वहां पे, तो ये एडवर्टाइजिंग में यूज होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियॉन लैंप की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो एफिशिएंसी होती है 30 से 40 के बीच में। क्या 30 से 40, क्या एफिशिएंसी की जो यूनिट है वो होती है ल्यूमेन पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट। तो इतनी चीजें आपको मैंने बता दिया नियॉन लैंप के बारे में। और नियॉन लैंप से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि नियॉन लैंप किस कलर की लाइट देता है, तो आपको पिंक कलर पहले से पता है, कोल्ड कैथोड यूज होता है, नियॉन प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ हीलियम गैस यूज होती है, 5 वॉट का लगभग बल्ब होता है, एडवर्टाइजिंग में यूज होता है, 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट की इसकी एफिशिएंसी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप डज नॉट हैव अ सेपरेट चोक। इनमें से कौन सा ऐसा लैंप है जिसमें सेपरेट चोक नहीं होता, तो यह है सोडियम वेपर लैंप। अब चलिए सोडियम वेपर लैंप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो देख लेते हैं। तो सोडियम वेपर लैंप सबसे पहले किस कलर की जो लाइट है वो एमिट करती है, तो वो येलो कलर की, और जो ऊपर हमने बल्ब देखा दैट इज नियॉन लैंप, वो पिंक कलर का। अब यहां पे मुझे बता दीजिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, तो ये स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, आपने देखा होगा, ये स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक काम करता है। अब ऊपर वाला जो बल्ब है उसकी एफिशिएंसी कितनी हमने देखी थी, उसकी एफिशिएंसी देखी थी 30 से 40 ल्यूमेन पर वॉट के लगभग, बट सोडियम वेपर लैंप की जो एफिशिएंसी होती है 50 ल्यूमेन पर वॉट के करीब होती है। अब इसमें सेपरेट चोक नहीं होता, Doesn't have separate choke. Choke क्या होता है, इसको हम धीरे धीरे आगे जो बल्ब आएंगे उसमें हम इसे समझ लेंगे। अब इसमें कौन कौन सी गैस यूज होती है, तो सबसे पहले तो हम इसमें मेटेलिक सोडियम के साथ नियॉन गैस का यूज करते हैं, मेटेलिक सोडियम प्लस नियॉन गैस इसका यूज किया जाता है, राइट। और यहां पे मैंने आपको बता दिया है
नियॉन लैंप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन फ्लोरोसेंट लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप का एग्जांपल मुझे बताइए, जो आपका ट्यूब लाइट होती है फ्लोरोसेंट लैंप, उसमें हम जो कैपेसिटर लगाते हैं उसका प्राइमरी काम क्या होता है। उसको तो वैसे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है या पूछा जाता है हर बार कि प्राइमरी फंक्शन आपको बताना है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना जो कैपेसिटर है उसका काम होता है। अब देख लेते हैं फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर, जैसे ये फ्लोरोसेंट लैंप है या ट्यूब लाइट जिसे आप बोलते हो, ये फ्लोरोसेंट लैंप है, तो इसके अंदर किस चीज की कोटिंग होती है? ये जो अंदर वाला सरफेस है इसके किस चीज की कोटिंग होती है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये इसमें लेयर ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग होती है। कोटिंग ऑफ द लेयर ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल आपने कभी फोड़ी होगी ये लैंप, तो देखा होगा आपने व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ निकलता है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फ्लोरोसेंट मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल का जो एग्जांपल है वो लिखिएगा, ये होता है जिंक सिलिकेट, और दूसरा एग्जांपल आप लिख लीजिए कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम सिलिकेट। जो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे डबल ई के सारे सब्जेक्ट्स में उसी तरह कवर करने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं मशीन पावर सिस्टम उनके वीडियोस मिस ना हो आपसे। अब फ्लोरोसेंट लैंप में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या मिलाते हैं? अर्गॉन गैस, अर्गॉन गैस मिलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इस फ्लोरोसेंट ट्यूब की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 60 ल्यूमेन पर वॉट, राइट। जो हमने नियॉन का जो लैंप देखा था उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 30 से 40 के करीब। सोडियम का जो लैंप था उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? 50 ल्यूमेन पर वॉट के करीब। बट फ्लोरोसेंट की कितनी है? 60, तीनों में से सबसे ज्यादा अभी तक जो हमने देखा, 60 ल्यूमेन पर वॉट। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरोसेंट लैंप में कितने ट्यूब यूज, कितने इलेक्ट्रोड यूज होते हैं? तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं दोनों टर्मिनल्स पे, दोनों कोनों पे दो दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, और उसी इलेक्ट्रोड को यूज करके हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे कोल्ड कैथोड नहीं यूज हो रहे हैं, यहाँ पे जो कोल्ड कैथोड इसलिए नहीं यूज हो रहे हैं क्योंकि इस कैथोड को हम हीट कर रहे हैं ताकि अपना काम कर सके। कोल्ड कैथोड क्या होता है? उसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना समझ में आ रहा है। अब जो चोक है, जो चोक, एक चोक मटेरियल आपने देखा होगा, चोक हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि वो इम्पल्स वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम चोक मटेरियल यूज करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चोक कैसे यूज किया जाता है, सीरीज में या पैरेलल में। तो चोक इज प्रोवाइडेड इन सीरीज, दूसरा ये क्या काम करता है? तो चोक इंपल्स वोल्टेज प्रोवाइड करता है एट स्टार्टिंग, प्रोवाइड इंपल्स वोल्टेज एट स्टार्टिंग, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है, ये एक बैलेस्ट की तरह काम करता है, चोक एक्ट एज अ बैलेस्ट, राइट। और ये क्या काम करता है? पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, ऑल्सो इंप्रूव्स पावर फैक्टर। तो ये हमारा ऑप्शन पावर फैक्टर में लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपसे बोले जा रही है कि ये जो चोक है ये बैलास्ट का काम कर रहा है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो बैलास्ट का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ बैलास्ट, राइट, मीनिंग ऑफ बैलास्ट, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इनमें से कौन सा ऐसा बल्ब है जो बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे सस्टेन नहीं कर सकता, मतलब वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो बल्ब आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो यह है इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प को और किस नाम से जाना जाता है, इसे फिलामेंट लैम्प से भी जाना जाता है, इसे फिलामेंट लैंप से भी जाना जाता है। फिलामेंट लैंप कौन से होते हैं, जो आपने देखा होगा पहले 100 वाट का आता था, पीला पीला जलता था, उसे फिलामेंट लैंप बोला जाता है। अब फिलामेंट कौन कौन सा फिलामेंट हम यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लैंप में, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं टंगस्टन का फिलामेंट, कार्बन का फिलामेंट और ऑस्मियम का भी फिलामेंट होता है, टेंटेनम का भी फिलामेंट होता है, ये सारी चीजें होती है। हम टेम्परेचर पे काम करके फिलामेंट को यूज करते हैं, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हमें काम कराना है तो हम टंगस्टन का यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टंगस्टन यूज होता है, राइट। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप का फिलामेंट यूज करना है। अब इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 10 ल्यूमेन पर वॉट। आपने देखा होगा ये बल्ब बहुत जल्दी हीट हो जाते हैं, गर्म बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, लगभग 10 ल्यूमेन पर वॉट की। अब इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो फिलामेंट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है फिलामेंट का कि ये डक्टाइल होना चाहिए। डक्टाइल का मतलब, डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जिससे उसे हम तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन ईजली बी यूज टू ट्रांसफॉर्म दैट मटेरियल इन टू अ वायर, राइट। आसानी से हम उसे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोला जाता है डक्टाइल। दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब जल्दी ये जो टंगस्टन है वो पिघले ना गर्मी की वजह से, नहीं तो पता चला कि आपने 100 डिग्री टेम्परेचर पे ये पिघलने लग गया तो फिर वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर के घटने या बढ़ने के साथ फिलामेंट का रेजिस्टेंस पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने देखा अभी इनकैंडेसेंट लैंप या फिलामेंट लैंप के केस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यू टू मून लाइट इल्यूमिनेशन इज नियरली, मून लाइट की वजह से जो इल्यूमिनेशन हमें मिलता है वो कितना मिलता है। तो मून लाइट की वजह से जो इल्यूमिनेशन मिलता है मून लाइट की वजह से वो होता है 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आपने समझ लिया, बट आपको पता है क्या कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो इल्यूमिनेशन की जो डेफिनेशन है वो आप नोट कर लीजिएगा, इट इज अ ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सर्फेस पर यूनिट एरिया। तो लिख दीजिएगा, मैं इसे समझाता हूं, इट इज अ ल्यूमिनस फ्लक्स received by a surface per unit area, right? ये एक luminous, मतलब ये कितना luminous flux receive कर पा रहा है per unit area में, ये है luminous flux। मान लेते हैं ये हमारा एक कोई surface है, तो इसके पर यूनिट सरफेस पे, राइट, ये कितना ल्यूमिनस फ्लक्स रिसीव कर पा रहा है। यहां से क्या जा रही है, ल्यूमिनस फ्लक्स करेक्ट, उसे बोला जाता है इल्यूमिनेशन। अब ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनस फ्लक्स। अब ल्यूमिनस फ्लक्स आपने समझ लिया तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, टोटल लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। इसको लिख लीजिएगा फिर मैं समझाता हूं, टोटल लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी
एमिटेड पर सेकेंड बाय अ ल्यूमिनस बॉडी। चलिए अब मुझे बताइए ल्यूमिनस बॉडी का मतलब क्या है। ऐसी बॉडी जो ग्लो कर रही है, जल रही है, उससे उसके सरफेस से हीट निकल रही है, उसे बोला जाता है ल्यूमिनस बॉडी। तो कोई भी ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस बॉडी का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसे मान लेते हैं बल्ब। तो कोई भी बल्ब कितनी लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है हर सेकेंड, राइट। कोई भी बल्ब कितनी लाइट एनर्जी को एमिट कर रहा है हर सेकेंड, उसे बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स। अब बल्ब तो एमिट कर रहा है लाइट एनर्जी के फॉर्म में, जिसे हम बोल रहे हैं ल्यूमिनस फ्लक्स, और उसमें से कितनी फ्लक्स, कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स उस सरफेस पे, किसी सरफेस पे पड़ रही है, जिस सरफेस पे हम ग्लो कराना चाहते हैं, जहां पे उजाला चाहते हैं, उस पे कितनी ल्यूमिनस फ्लक्स पड़ रही है, उसे बोला जाता है इल्यूमिनेशन, करेक्ट। अब इल्यूमिनेशन का जो यूनिट है वो क्या होता है, इसकी यूनिट होता है लक्स। इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है लक्स, या इसे ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, यूनिट ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछ ले कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन, और इल्यूमिनेशन की ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, सही है। अब एक तो आपसे पूछ लिया कि मूनलाइट का इल्यूमिनेशन कितना होता है, 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछ ले कि अगर हमें प्रिसाइज वर्क करना है, राइट, बहुत ही प्रिसाइज बारीक काम करना है, तो उसके लिए कितना इल्यूमिनेशन का रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हमें चाहिए 500 से 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, सही है। अगर आप नॉर्मल रीडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कितनी इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी, फॉर नॉर्मल रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 60 से 70 से 100 है, 60 से 100 मान लीजिए, इतनी इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप लाइट इज प्रोड्यूस बाय, कोई भी लैंप है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज लैंप। तो वो उसमें जो लाइट जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, वो किसके कारण होती है, तो उसमें जो गैस हम डालते हैं, मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन ऑफ गैस, जैसे कि एग्जांपल मैंने क्या लिया था, नियॉन गैस यूज कर रहे थे, हीलियम गैस यूज कर रहे थे, तो उस गैस में जो आयोनाइजेशन हो रहा है, आयोनाइजेशन मैंने पावर सिस्टम में कई बार पढ़ाया हुआ है, तो उस गैस में जो आयोनाइजेशन होता है उसकी वजह से जो लाइट जनरेट होती है उस पे काम करता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप। कैथोड रे एमिशन आप जानते हो, किसी भी कैथोड को अगर हम हीट करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन की बीम एमिट करता है, उसे बोलते हैं कैथोड रे एमिशन, राइट। बट यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ऑफ अ फिलामेंट लैम्प, फिलामेंट लैम्प मतलब भूलिएगा मत बल्ब, 100 वाट का जो बल्ब आता था पीला वाला आपके घर में, जिसकी वजह से बहुत गर्मी लगती थी चलाने से, याद रहेगा आपको इससे। तो फ्रीक्वेंट वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कौन सा बल्ब इफेक्ट होता है, हमारा फिलामेंट लैंप इफेक्ट होता है। क्या होता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है, राइट, वो जल्दी खराब हो सकता है अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो लाइफ ऑफ लैंप इज द राइट आंसर। वोल्टेज के फ्लक्चुएट होने से सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें फिलामेंट लैंप पे देखने को मिलता है। ब्राइटनेस आप जानते हो क्या होता है, लाइट आउटपुट आप जानते हो क्या होता है। अब आपको ये चीज नहीं पता होगी लैंप एफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लैंप एफिशिएंसी। तो सबसे पहला बात कि ये एक रेशियो का फॉर्म होता है, जिसे बोलते हैं लैंप एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट।
मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स तो आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया ल्यूमिनस फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको क्या बताया कि इट इज द लाइट एनर्जी या टोटल लाइट एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ बल्ब। कोई भी एक बल्ब है वो पर सेकेंड कितनी लाइट एमिट कर रहा है उसे बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इनपुट। किसी भी बल्ब में आप कितना पावर इनपुट दे रहे हो और वो कितनी लाइट एनर्जी पर सेकेंड एमिट कर रहा है उसे बोला जाता है लैम्प एफिशिएंसी। अब एक चीज मुझे बताइएगा, अगर जितना पावर हम दे रहे हैं उस बल्ब को पूरा का पूरा पावर वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में एमिट कर देता है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%। अगर हमने पावर इनपुट दिया 100 बट वो ल्यूमिनस फ्लक्स यानी कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो एमिट कर रहा है 50, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 50%। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि लैंप एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है? लैंप एफिशिएंसी की जो यूनिट है वो होती है ल्यूमिनस, सॉरी ल्यूमेन पर वॉट। ल्यूमेन पर वॉट ये लैंप एफिशिएंसी की यूनिट होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी किसी भी फ्लोरोसेंट ट्यूब की कितनी होती है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है 60 ल्यूमेन पर वॉट। फ्लोरोसेंट ट्यूब, अब मुझे बताइए 10 ल्यूमेन पर वॉट किसकी एफिशिएंसी होती है? किसकी एफिशिएंसी की बात की जा रही है? ये बात किया जा रहा है फिलामेंट लैंप की। फिलामेंट लैंप या इसे इनकैंडेंसेंट, इसे इनकैंडेंसेंट लैंप भी बोलते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो 40 ल्यूमेन पर वॉट है ये किसकी एफिशिएंसी की बात किया जा रहा है? ये बात किया जा रहा है नियॉन लैंप की। 50 ल्यूमेन पर वॉट जो एफिशिएंसी है वो लगभग किसकी है? सोडियम वेपर लैंप की। ऑप्शन भी मैंने इस तरह से दिए हैं कि आपका साथ साथ में रिवाइज भी होता चले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, कैंडेला किसकी यूनिट होती है? तो आप सभी को पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो होता है कैंडेला। अब एक चीज मुझे बताइए वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? तो वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, या अगर इसकी दूसरी यूनिट की बात करें तो इसे हम एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम ये भी यूनिट होती है वेवलेंथ की। बट अगर आपसे पूछ ले कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है तो 1 एंगस्ट्रॉम लिख लीजिएगा 10^-9 मीटर। 1 नैनोमीटर को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड, उसी को हर्ट्ज बोलते हैं। बात करते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स की। तो ल्यूमिनस फ्लक्स मैंने आपको अभी अभी बताया कि इट इज द टोटल लाइट एनर्जी एमिटेड बाय ए बल्ब पर सेकेंड, उसे बोला जाता है ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की एफिशिएंसी होती है सॉरी यूनिट होती है ल्यूमेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो याद करिए 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को और किस यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता था? इसे हम लक्स भी बोलते थे। ये किसकी यूनिट थी? ये इल्यूमिनेशन की यूनिट थी। ये इल्यूमिनेशन की यूनिट थी तो ये हो जाएगा लक्स। कैंडेला किसकी यूनिट है? ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमेन पर वॉट किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी, एक चीज मुझे बताइएगा कैसे याद रखना है इसे, ल्यूमिनस एफिशिएंसी। बल्ब की एफिशिएंसी क्या होती है? बल्ब की एफिशिएंसी होती है कि टोटल हम कितना इनपुट दे रहे हैं या नॉर्मली क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें मशीन में भी जैसा आपने पढ़ा है कि क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो किसी बल्ब का आउटपुट हम कैसे जज करते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है? कितना लाइट एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड, और इनपुट क्या होता है? पावर इनपुट।
तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन। पावर इनपुट की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो लैंप एफिशिएंसी की यूनिट क्या हो गई? ल्यूमेन पर वॉट। ल्यूमिनस एफिशिएंसी की यूनिट, ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है? ये होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट। ये जो ल्यूमेन है ये ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमेन, राइट। वॉट यूनिट होती है पावर की, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है इल्यूमिनेशन की, और एंगस्ट्रॉम होती है वेवलेंथ की। यहां पे पूछा जा रहा है कि इन विच केस ये लीस्ट होगा, लीस्ट इल्यूमिनेशन लेवल इज रिक्वायर्ड। कहां पे सबसे कम इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है? इल्यूमिनेशन को आप समझ सकते हो एक तरह से उजाला, राइट। तो अगर आप कोई प्रिसाइज काम कर रहे हो, फाइन मशीन वर्क कर रहे हो, हॉस्पिटल वार्ड में हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल वार्ड जो है वहां पे इन चारों ऑप्शंस में से सबसे कम उजाले की जरूरत पड़ेगी, राइट, हॉस्पिटल वार्ड। चलिए, और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जो फाइन वर्क है या स्किल्ड वर्क है उसके लिए हमें कितने की जरूरत पड़ती है, कितने ल्यूमेन पर मीटर या इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ती है? 60 से 100। बट जो रीडिंग है, नॉर्मल रीडिंग के लिए 60 से 100, 60 से 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर पढ़ने के लिए, और 500 से 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर किसके लिए? फाइन वर्क या कोई बारीक काम अगर कर रहे हो तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि जो सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप होता है वो किस कलर की लाइट एमिट करता है? तो ये येलो कलर की लाइट एमिट करता है। अब आप मुझे बताइए सोडियम वेपर जो डिस्चार्ज लैंप है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? तो इसकी एफिशिएंसी होती है 50 ल्यूमेन पर वॉट। स्ट्रीट लाइट्स में यूज किया जाता है और इसके लिए सेपरेट चोक नहीं होता, नॉट सेपरेट चोक, करेक्ट। ये लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑपरेट करता है और इसमें सोडियम, मेटेलिक सोडियम प्लस कुछ नियॉन गैस होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, ये देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो कार्बन आर्क लैंप है उसमें कॉमनली, जो कार्बन आर्क लैंप है वो कॉमनली कहाँ पे यूज किया जाता है? तो कार्बन आर्क लैंप नॉर्मली हम सिनेमा प्रोजेक्टर्स में यूज करते हैं। तो ये क्या है? कार्बन आर्क लैंप एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप है। ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप है और इसमें जो डिस्चार्जिंग होती है वो एयर के थ्रू होती है। डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस थ्रू एयर, राइट। अब ये कार्बन आर्क लैंप 3 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, कार्बन आर्क लैंप 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कार्बन आर्क, दूसरा होता है फ्लेम आर्क, तीसरा होता है मैग्नेटिक आर्क। कार्बन आर्क का जो एफिशिएंसी है वो होता है लगभग 12 ल्यूमेन पर वॉट। फ्लेम आर्क का जो एफिशिएंसी है वो लगभग होता है 8 ल्यूमेन पर वॉट। मैग्नेटिक आर्क हम नहीं यूज करते हैं, यूज ही नहीं किया जाता है इसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है फ्लिकरिंग ऑफ बल्ब्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट, मतलब जो बल्ब फ्लिकर करते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी बल्ब जो है वो लाइट कभी धीरे कभी ज्यादा, कभी धीरे कभी ज्यादा, ऐसा फ्लिकरिंग टाइप का होता है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, लो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट फ्लिकरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए आज देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, वैक्यूम फिलामेंट लैंप। अब बताइए वैक्यूम फिलामेंट लैंप में कौन सी गैस फिल की जाती है? तो यहां पे नाम क्या है कैसे याद करोगे आप? वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नथिंग, जहां एयर भी प्रेजेंट ना हो उसे वैक्यूम बोला जाता है। तो द गैस फिल्ड इन वैक्यूम फिलामेंट लैंप इज नियॉन नहीं हो सकता, आर्गॉन नहीं हो सकता, एयर नहीं हो सकता, सो नन ऑफ द अबव। तो क्या ये सीरीज हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा?
तो कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसे आप लेक्चर कंटिन्यूअसली चाहते हो क्या। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो थैंक यू वेरी मच।